नमस्कार दोस्तों, क्लास 9th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस लेक्चर नंबर 17 प्रैक्टिस 2.1 है, पार्ट 3 है 2.1 का। अब इस पार्ट में हम कुछ थ्योरम्स जो हैं उनको समझेंगे, फिर उसके बाद आगे के पार्ट में प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस होंगे। 2.1 प्रैक्टिस सेट के लिए जो जरूरी थ्योरम्स हैं उन्हें हमें पहले समझना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशंस मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के मैथ्स के जो वीडियोस हैं वो मैं सभी अपलोड करने जा रहा हूं। तो आप अगर क्लास 9th में हैं तो आपको सर्च करना है, अगर आपको दूसरे वीडियोस देखने हैं तो उनके लिए सर्च करना है महेश वरांडे क्लास 9th, तो आपको अपने क्लास के सभी जो वीडियोज़ हैं वो मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यूज़ ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की जो प्रॉपर्टीज़ इससे पहले हमने डिस्कस की हुई है, उन सभी का जो यूज़ है उसका एक यूज़ देखिए यहाँ पे है। जो थ्योरम है, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, इसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, इस प्रॉपर्टी को भी मतलब इस प्रॉपर्टी को एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल भी कहा जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को भी प्रूव करने के लिए जो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज हैं उनका यूज होता है। अब देखिए कैसे यहाँ पे यूज करना है और ये थ्योरम क्या है वो तो हमें पहले से ही पता है। तो पहले हम थ्योरम क्या है ये समझेंगे, उसे कैसे प्रूव करना है ये भी समझेंगे, फिर उसके बाद जो प्रूफ है उसे कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ें लिखनी है, थ्योरम के जो प्रूफ कैसे लिखे जाते हैं उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए अगर कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में जो तीनों इंटीरियर एंगल्स होते हैं इन तीनों एंगल की एडिशन 180 डिग्री होती है। तो ये 180 डिग्री एंगल की एडिशन तीनों की क्यों होती है, इसका हमें प्रूफ चाहिए, तो इस थ्योरम में हमें प्रूफ मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस एक साइड को, ट्रायंगल के किसी भी एक साइड को अगर हम यह साइड लेते हैं तो इस साइड को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो इस वर्टेक्स से, इस साइड के अपोजिट वर्टेक्स से पास हो। अगर हम यहाँ की साइड लेते हैं तो इस वर्टेक्स से पैरेलल, इस लाइन को पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम बेस की साइड लेंगे और यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे एंगल 1, यहाँ पे एंगल 2, यहाँ का एंगल 3, यहाँ का एंगल 4, यहाँ का एंगल 5। तो एंगल 3 प्लस 4 प्लस 5 इन तीनों एंगल की एडिशन 180 डिग्री होनी चाहिए। तो देखिए अगर इसी लाइन को हम कंसिडर करेंगे तो 1 प्लस 3 इन दोनों एंगल्स की एडिशन और 2 इन तीनों एंगल की एडिशन 180 डिग्री होती है, क्योंकि यहाँ का ये पूरा एंगल और ये दो एंगल्स इन लीनियर पेयर हैं, यहाँ पे लाइन यहाँ पे एंगल, तो ये दो एंगल्स इन लीनियर पेयर, तो ये तीनों मिला के लीनियर पेयर के एंगल्स फॉर्म करते हैं। तो इन तीनों के एडिशन 180 डिग्री। अब ये लाइन इसे पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 को इक्वल एंगल 4 और एंगल 1 को इक्वल एंगल 5। तो इससे क्या होगा, देखिए 1 2 3 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इन तीनों के एडिशन 180 डिग्री है। तो उनमें से जो 2 एंगल है वो 4 को इक्वल है, तो 2 को रिप्लेस हम एंगल 4 कर सकते हैं, और जो एंगल 1 है उसे इक्वल एंगल 5 है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एंगल 1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं एंगल 5 से, तो एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 इनकी एडिशन 180 डिग्री होगी, क्योंकि इनकी एडिशन तो 180 डिग्री है। तो यही प्रूफ दो तीन अलग अलग तरीके से
लिखा जा सकता है। अब एक तरीका क्या कैसा है, इन दोनों एंगल को इक्वल लिखना है, इन दोनों को इक्वल करना है, फिर दोनों इक्वेशंस की एडिशन करेंगे तो 2 + 1 की एडिशन 5 + 4 को इक्वल हो जाएगी, और दोनों साइड में हमें एंगल 3 मिलाना है, ऐड करना है, तो इन तीनों की एडिशन 180 डिग्री होगी, और इन दोनों एंगल की एडिशन मतलब इन तीनों की एडिशन 180 डिग्री को ही इक्वल होगी। अब उसे ही हमें यहाँ पे देखिए कि जब भी थ्योरम दिया जाएगा तो सबसे पहले हमें गिवन लिखना होता है, और गिवन के पहले जिस हिसाब से डायग्राम दी गई है, जैसे अगर ज्योमेट्री की डायग्राम है तो हमें डायग्राम ड्रॉ करनी होती है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो डायग्राम में ट्रायंगल के नाम लिखना होगा, ट्रायंगल जो भी नाम है, ट्रायंगल ABC, अब यहाँ पे तो नाम नहीं दिया है तो हमें ही लिखना है। तो लेट ट्रायंगल ABC हमने लिया है बी द गिवन ट्रायंगल, तो गिवन में लिखना है ट्रायंगल ABC इज एनी ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल ABC है। अब एनी ट्रायंगल का मतलब ये है, ट्रायंगल ऑब्टिस हो सकता है, राइट एंगल हो सकता है, एक्यूट हो सकता है, आइसोसेलेस हो सकता है, इक्विलैटरल, कोई भी एक ट्रायंगल। गिवन के बाद हमेशा लिखना होगा टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, तो हमें प्रूव करना है एंगल ए। अब देखिए एंगल ए को हमें क्या लिखना है, एंगल BAC, एंगल BAC प्लस एंगल बी को लिखना है ABC, एंगल ABC, और सी को लिखना है BCA, एंगल BCA इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। इसके बाद जो पार्ट है वो है कंस्ट्रक्शन का। अब कंस्ट्रक्शन क्या है, CONSTRUCTION, कंस्ट्रक्शन क्या है, पॉइंट ए से पास होने वाली BC को एक पैरेलल लाइन हमें ड्रॉ करनी है, तो इस लाइन का हम नेम जो लिखते हैं, सपोज डी लाइन, तो हमें लिखना है ड्रॉ DE पैरेलल टू BC विच पासिस थ्रू वर्टेक्स ए। इसी स्टेटमेंट को अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट या फिर ड्रॉ लाइन DE पैरेलल टू BC विच पासिस थ्रू पॉइंट ए। इसे हम स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें हमने सिंबॉलिकली लिखा है इसे। अब इसके बाद जो आएगा नेक्स्ट पार्ट वो है प्रूफ का। अब प्रूफ में हमें क्या करना है, DE BC को पैरेलल है, DE पैरेलल टू BC एंड AB एंड AC आर ट्रांसवर्सल्स, AB एंड AC आर ट्रांसवर्सल्स, ये दोनों ट्रांसवर्सल्स हैं, तो ये दो एंगल्स यहाँ का एक और यहाँ का एक इक्वल हैं, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इनको कहा जाता है। तो एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DAB को इक्वल एंगल होगा ABC, और एंगल EAC, एंगल EAC को इक्वल एंगल होगा एंगल ACB, ACB को हमने ABCA लिखा है, एंगल BCA। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और इन दोनों का जो रीजन है, इन दोनों का रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसीलिए दोनों एंगल्स यहाँ पे इक्वल हैं, ये दोनों और ये दोनों। अब यहाँ पे जो एंगल है वो यहाँ से जो एंगल है उसको इक्वल। अब हमें लिखना है इन दोनों एंगल्स के एडिशन, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2,
दोनों इक्वेशंस के अगर हम एडिशन करते हैं तो DAB और EAC, DAB और EAC इन दोनों के एडिशन लेफ्ट हैंड साइड में और इन दोनों एंगल के एडिशन हमें राइट हैंड साइड में लिखनी है। तो एंगल DAB प्लस एंगल EAC इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल BCA। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब दोनों साइड को हमें एंगल BAC ऐड करना है, तो ऐड एंगल BAC ऑन बोथ साइड्स। तो हमें लिखना है एडिंग एंगल BAC टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 के दोनों साइड में हमें एंगल BAC ऐड करना है। अब देखिए एंगल DAB, इसे हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल DAB प्लस एंगल जो हमने ऐड किया है एंगल BAC, एंगल BAC प्लस एंगल EAC इज इक्वल टू, अब लेफ्ट हैंड साइड में हमने एंगल ऐड कर लिया, अब यही एंगल राइट हैंड साइड में ऐड करना है। तो एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल BAC। अब देखिए DAB, BAC और EAC, DAB और BAC, DAB और BAC इन दोनों के एडिशन हम अगर करते हैं तो एंगल हमें एंगल DAC मिल जाता है। तो एंगल DAC प्लस एंगल EAC इज इक्वल टू, अब देखिए एंगल ABC, यहाँ का एंगल BCA, एंगल BCA प्लस एंगल BAC, यहाँ का एंगल BAC। अब इन दोनों एंगल के एडिशन जो है ये एंगल और EAC यहाँ का एंगल, ये दो एंगल्स इन लीनियर पेयर एंगल हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा था, एंगल DAC ये एंगल DAC होगा इन दोनों एंगल के एडिशन। तो एंगल DAC जो है, DAC और एंगल EAC यहाँ का, इन दोनों एंगल के एडिशन 180 डिग्री होगी। तो इन दोनों एंगल के एडिशन 180 डिग्री है, तो हमें यहाँ पे इसे 180 डिग्री इक्वल टू लिखना है। और इनके एडिशन एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल BAC तीनों एंगल के एडिशन 180 डिग्री होगी। ट्रायंगल के तीनों एंगल के एडिशन 180 डिग्री होती है। इस प्रॉपर्टी को हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, यह भी प्रॉपर्टी हम कहते हैं। अब देखिए यह प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए हमने पैरेलल लाइन की जो प्रॉपर्टी थी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं इन दोनों और इन दोनों एंगल्स को, यह प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की है। तो इसी के साथ जो थ्योरम है यहाँ का समाप्त होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम है वो है इंटीरियर एंगल्स टेस्ट। अब इसके बाद टेस्ट्स फॉर पैरेलल लाइंस जो नेक्स्ट पॉइंट है और जो सभी टेस्ट्स हम लेने वाले हैं, ये पॉइंट है टेस्ट्स फॉर पैरेलल लाइंस के लिए टेस्ट्स। अब क्या क्या टेस्ट हैं देखिए, जो फर्स्ट टेस्ट है वो इंटीरियर एंगल टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट है इंटीरियर एंगल टेस्ट और इसका प्रूफ भी है थ्योरम का। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट जो है वो है अल्टरनेट एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। हमने अल्टरनेट एंगल थ्योरम पढ़ा है, अब हमें अल्टरनेट एंगल टेस्ट भी पढ़नी है। फिर उसके बाद है करस्पोंडिंग एंगल्स टेस्ट और कुछ कोरोलरीज हैं। तो थर्ड टेस्ट जो होगी वो है
करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट। अब ये तीनों टेस्ट्स क्या हैं यह सिर्फ इस वीडियो में हम समझेंगे, फिर उसके बाद जो वीडियो होगा उसमें हम इन तीनों का प्रूफ समझेंगे और कुछ कोरोलरीज हैं उनको समझने के बाद फिर हम प्रैक्टिस 2.1 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अब देखिए इंटीरियर एंगल टेस्ट क्या होती है। अगर दो लाइंस, मैं कह रहा हूँ दो लाइंस पैरेलल नहीं, सिर्फ दो लाइंस, अगर दो लाइंस के लिए कोई एक ट्रांसवर्सल हमने ली है और यहाँ पे इंटीरियर एंगल जो है को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में जो इंटीरियर एंगल्स हैं इन दोनों की एडिशन अगर 180 डिग्री आती है तो ये दो लाइंस पैरेलल होती हैं। अब टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस का मतलब है दो लाइंस पैरेलल है या नहीं है उनके लिए टेस्ट है। और देखिए टेस्ट के बाद हमें क्या पता चलेगा, कोई भी टेस्ट होती है तो उससे उसके बाद हमें पता चलता है कि जिसके लिए हमने टेस्ट ली है वो है या नहीं है, वो हमें पता चलता है। अब देखिए अगर हम चावल पका रहे हैं तो चावल पूरी तरीके से पका है या नहीं उसके लिए टेस्ट होती है। तो उसके लिए टेस्ट क्या करते हैं, हम यहाँ से एक उसका एक ही चावल जो है वो उठा के हम उसको देखते हैं कि वो पका है या नहीं, तो उससे हम क्या समझते हैं कि पूरा जो भी हमारा पूरा जो है वो भी पक चुका है, पूरे चावल पक चुके हैं, इससे हम एक टेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी दो लाइंस पैरेलल हैं या नहीं उसके लिए टेस्ट है। क्या क्या टेस्ट्स हैं, इंटीरियर एंगल टेस्ट। इंटीरियर एंगल टेस्ट क्या है, इंटीरियर एंगल की एडिशन 180 डिग्री हो जाए तो दो लाइंस पैरेलल। अल्टरनेट एंगल टेस्ट क्या है, यहाँ के जो दो अल्टरनेट एंगल्स हैं यहाँ का एक और यहाँ का एक, ये दो अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हो जाए तो दो लाइंस पैरेलल, अल्टरनेट एंगल टेस्ट हो गई। और करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट क्या है, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए, देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल की चार पेयर फॉर्म होती हैं, फिर इंटीरियर एंगल की यहाँ पे दो पेयर फॉर्म होती हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की भी दो पेयर फॉर्म होती हैं, उनमें से कोई भी एक पेयर अगर इक्वल या इनके एडिशन 180 और या फिर इनके एडिशन 180 तो लाइंस पैरेलल है। अब चारों करस्पॉन्डिंग एंगल्स में से अगर कोई भी एक पेयर, चारों पेयर में से कोई भी एक पेयर अगर इक्वल हो जाती है तो ये दो लाइंस अपने आप पैरेलल हो जाती हैं। ये सभी टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस हैं। इससे पहले क्या था, दो लाइंस पैरेलल तो इंटीरियर एंगल की एडिशन 180, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। अब यहाँ पे उल्टा है, अगर इंटीरियर एंगल्स की एडिशन 180 तो लाइंस पैरेलल, अगर अल्टरनेट एंगल टेस्ट सॉरी अल्टरनेट एंगल्स इक्वल तो लाइंस पैरेलल, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल तो लाइंस पैरेलल्स, तो लाइंस पैरेलल। तो इन सभी का जो प्रूफ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो थैंक यू।